मेरे एक दोस्त का कमेंट आया है कि सर जब किसी इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं उसे क्या करना चाहिए, वो इस धरती पर क्यों आया है, ऐसे में क्या करना सही रहेगा, किसी भी चीज़ को करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो देखिए, अब अगर आपको ये पता करना है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं या आपको क्या करना चाहिए, तो वैसे तो बहुत सारे आध्यात्मिक लेक्चर हैं, बहुत सारे आपको समझाने वाले लोग हैं, आपको जीवन में कोई गोल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मैं वस्तुस्थिति समझता हूँ कि रियल ग्राउंड पे हम में से 99% लोगों को पता नहीं होता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा तब की बात तब है, तब तक आप कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, तो उस समय तक आप कुछ तो कर सकते हैं, वो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका गोल इस धरती पर क्या है। पहली बात तो आप अपने सारे जितनी भी इच्छाएं मन में, जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, एक डायरी में लिस्ट बना लीजिए, 10, 20, 40, 50, 100, 150, जितनी भी आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी करने की इच्छाएं, सब लिख डालिए उसमें। अब उस डायरी को कुछ दिनों बाद फिर से खोल के पढ़िए। अब आप उसमें क्या करिए कि उनमें से क्या 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 आप कर सकते हैं आपकी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार। याद रखिए, वर्तमान आर्थिक और सामाजिक या आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार आप उनमें से क्या क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों को आप काट दीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपने 50 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, जनरल नंबर बता रहा हूँ, कि आपने 50 नंबर की लिस्ट बनाई है, तो उसमें से 40 चीज़ें कट जाएंगी। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिवेश में आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों को जब आप काटते हैं, तो बाकी जो 10-12 चीज़ें आपको बचती हैं, उनको अभी डायरी को अब थोड़े दिनों बाद फिर खोलिए। मैं थोड़े दिन क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपके दिमाग को समय देने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा हमारे दिमाग को भी समय मिलना चाहिए बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में डिसाइड करने के लिए। तो थोड़े दिनों बाद जब आप उस डायरी को खोलेंगे, तब आपको उन चीज़ों में से, जो लिस्ट में से जो 10-12 चीज़ें बची हैं, जो भी चीज़ जितनी भी बची हैं, आपको उनमें से केवल उन चीज़ों पर टिक लगाना है, राइट क्लिक लगाना है, जिनको करते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी भी थकेंगे नहीं। आप बोलेंगे दिन में 20 घंटे करना है तो आप करने के लिए तैयार हैं, 15 घंटे करना है तो करने के लिए तैयार हैं, आपका इंटरेस्ट इतना है उस चीज़ को करने में, आपको मज़ा इतना आ रहा है, तो आप उनमें से उन चीज़ों को टिक करिए और बाकी चीज़ों को काट दीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आपके पास में कुछ 4-5 चीज़ें बचेंगी मैक्सिमम, जिनको आप कर सकते हैं, आपकी आर्थिक और सामाजिक परिवेश के अनुसार कर सकते हैं, और आपको करने में इतना इंटरेस्ट है कि आप थकेंगे नहीं, उसको अनवरत करते रहेंगे। अब उसके बाद अपने दिमाग को फिर कुछ दिनों के लिए टाइम दीजिए, थोड़े दिनों बाद उसको, डायरी को फिर खोलिए और उनमें से अब उन चीज़ों को काट दीजिए जिनको करने से आपको लंबे समय में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मतलब आर्थिक या मानसिक या आध्यात्मिक फ़ायदा होने वाला नहीं है, उन चीज़ों को फिर से काट दीजिए। अब वही चीज़ें रहने दीजिए उसमें जिनको करने से आपको लंबे समय में कोई आर्थिक या मानसिक या आध्यात्मिक फ़ायदा होगा। बस समझ लीजिए अब यही चीज़ें आपके जीवन का गोल हैं, इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाइए हाथ धोकर और लगे रहिए, आपको एक दिन आपका गोल मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।